हे माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइज, इस वक्त मैं हूं टाटा के शोरूम में, जिसको कि टाटा डिलाइट के नाम से जानते हैं, और ये जनकपुरी ईस्ट में सिचुएटेड है। तो गाइज, फाइनली टाटा ने लॉन्च कर दिया है टाटा पंच का ICNG वेरियंट विथ ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या खास है इस वेरियंट में। तो गाइज, ये है टाटा पंच ICNG, और जिस गाड़ी का मैं रिव्यू कर रही हूँ ये आपको व्हाइट कलर ऑप्शन में दिख रही होगी। अदरवाइज इसके अलावा आपको 8 कलर ऑप्शंस और अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रंट फेशिया के साथ। सेंटर में आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा, जिसकी फिनिशिंग क्रोम के साथ करी गई है, और उसके साथ यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ट्राई एरो कटआउट देखने को मिल जाएगा, और इसके पीछे हॉर्न की प्लेसमेंट की गई है फॉर द बेटर साउंड क्वालिटी। नीचे की तरफ आऊं तो इसकी जो स्किड प्लेट की लुक है उसको ब्लैक कलर के साथ फिनिशिंग करी गई है, और जो ग्रिल का पैटर्न है वो भी आपको ट्राई एरो में देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको क्रोम लाइन देखने को मिल रही होगी, लेकिन ये एक्सेसरी का पार्ट है। इधर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको फॉग लाइट देखने को नहीं मिलेगी, ऊपर आपको हैलोजन में हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा, और इस तरफ आपको हैलोजन में एक बल्ब दी गई है, और उसके साथ इंडिकेटर भी आपको रेगुलर बल्ब में देखने को मिल जाएगा। तो ये है इसका फ्रंट फेशिया का लुक। अब देख लेते हैं इसकी साइड प्रोफाइल को। ये है कार की साइड प्रोफाइल। अगर मैं इसके ORVM की बात करूं तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में ORVM देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर इंडिकेटर की प्लेसमेंट की गई है, और ये मैन्युअली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM है। इधर की तरफ आऊं तो डोर हैंडल आपको ब्लैक कलर में ही अवेलेबल कराए गए हैं, और नीचे की तरफ देखूं तो यहाँ पर आपको जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 187 mm। यहाँ पर आपको कुछ ब्लैक पियानो फिनिश के साथ वर्क देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये एक्सेसरी का पार्ट है। अब इसके टायर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टील रिम में 15 इंचेस के टायर प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूं तो वो है 185/70R15, और ये सीएट के द्वारा मैन्युफैक्चर करे गए हैं। सो दिस इज द साइड लुक ऑफ द कार। अब देख लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल को। ये है पंच की रियर प्रोफाइल। तो अगर मैं सेंटर से स्टार्ट करूं तो यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको पंच की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको ICNG की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसके टेल लाइट की बात करूं तो ये आपको रेगुलर बल्ब के साथ ही प्रोवाइड कराई गई है। नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ जो क्रोम वर्क किया गया है एक्सेसरी का पार्ट है। यहाँ पर आपको ट्राई एरो पैटर्न देखने को मिल जाएगा। 2 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसकी जो स्किड प्लेट की लुक है उसको ब्लैक कलर के साथ फिनिशिंग दी गई है। यहाँ पर सेंटर में आपको रिवर्स लाइट देखने को मिल जाएगी, और उसके नीचे स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट की गई है, जिसका टायर साइज अगेन 15 इंचेस है। तो ऊपर की तरफ आए तो यहाँ पर आपको एक एनिमल इनग्रेव्ड मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको राइनो की इमेज देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखने को मिल जाएगा। चलिए अब इसके बूट को खोल कर देख लेते हैं। तो ये है इसकी बूट। इसकी स्पेस की बात करूं तो वो है 210 लीटर। तो यहाँ पर टाटा ने क्या किया है, ट्विन टेक्नोलॉजी के साथ दो सिलेंडर्स आपके नीचे की तरफ प्लेस कर दिए हैं, जिस वजह से यहाँ पर आपको इतनी बूट स्पेस देखने को मिल जाएगी। सो एक कंफर्ट फैक्टर यहाँ पे टाटा ने प्रोवाइड करा दिया है। इधर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको एक हुक देखने को मिल जाएगा, जिसकी लोडिंग कैपेसिटी है 1 kg, और एक हुक की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ यहाँ पर आपको पंचर रिपेयर किट भी प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप प्रोवाइड कराएगी, जिसकी कैपेसिटी है 60 liters। टू एड वन मोर थिंग, तो आपको फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक प्रोवाइड कराया गया है, और रियर की व्हील में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन दे दिया गया है। तो हमने एक्सटीरियर कवर कर लिया है। अब देख लेते हैं क्या खास है इसके इंटीरियर में। स्टार्ट करते हैं इसके इंटीरियर के साथ। तो इसमें आपको जो चारों डोर्स प्रोवाइड कराए गए वो 90 डिग्री में ओपन हो जाते हैं। इसका मतलब है कि चढ़ने उतरने में कम्फर्ट फैक्टर है। यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड गेट में डुअल टोन कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगी, ब्लैक विथ व्हाइट की कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पर आपको ट्राई एरो पैटर्न ही देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको अम्ब्रेला होल्डर की प्लेस दी गई है, और बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट। यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश के साथ ही डोर हैंडल्स प्रोवाइड कराए गए हैं। यहाँ पर विंडो कंट्रोल ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ट्विटर और स्पीकर की प्लेसमेंट दे दी गई है, लेकिन ये बेस मॉडल है तो इसमें आपको ये ऑफर नहीं करे गए हैं। अगर आप चाहो तो आप आफ्टर मार्केट इसको फिट करा सकते हो।
ड्राइवर साइड सीट को देखो तो यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब चलिए अंदर चलते हैं और बताते हैं इसके फ्रंट केबिन के बारे में। स्टार्ट करते हैं इसके अपहोस्ट्री के साथ। तो यहाँ पर आपको लेदर रैप्ड अपहोस्ट्री देखने को मिल रही होगी, लेकिन ये एक्सेसरी का पार्ट है, तो अगर आप चाहो तो आप टाटा से इसको फिट करा सकते हो। दोनों जो हेडरेस्ट दिए गए हैं आगे की तरफ वो एडजस्टेबल है। लेफ्ट हैंड साइड पे आऊं तो यहाँ पर आपको एसी वेंट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर हार्ड मटेरियल, और इसके साथ आपको डुअल कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी, जेड ब्लैक एंड व्हाइट ट्राई एरो फिनिशिंग यहाँ पर दी गई है। अगर मैं इसके ग्लोव बॉक्स को खोल के दिखाऊं तो कुछ इस तरह की आपको स्पेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो कि अच्छी है। सेंटर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको एक टच स्क्रीन यूनिट देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये अगेन एक्सेसरी फिटेड है। अगर आप चाहो तो आप इसको आफ्टर मार्केट भी फिट करा सकते हो। नीचे यहाँ पर आपको दो एसी वेंट देखने को मिल जाएगा और सेंटर में आपको हजार्ड का बटन देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे आऊं तो यहाँ पर आपको मैनुअल एसी ही प्रोवाइड कराएगी और उसके टॉगल स्विचेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको ऑफ का बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दो यूएसबी केबल्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। इधर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर कुछ स्पेस दी गई है, और यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगी जिसकी टिप में क्रोम के साथ फिनिशिंग की गई है। यहाँ पर आपको दो कप होल्डर्स की स्पेस भी देखने को मिल जाएगी। ये है इसका स्टीयरिंग व्हील जो कि फ्लैट बॉटम फिनिश के साथ दिया गया है, और यहाँ पर कुछ आपको कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलेंगे। सेंटर में आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको वाइपर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको हेडलैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सेंटर में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, और इधर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको एक एसी वेंट देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आऊं यहाँ पर आपको एक स्विच देखने को मिल जाएगा जिससे आप सीएनजी टू पेट्रोल एंड पेट्रोल टू सीएनजी स्विच कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिल जाएगी जो कि थोड़ी अच्छी खासी है, तो यहाँ पर आप की या कुछ और चीज यहाँ पर रख सकते हो। इसकी की यहाँ पर लगी हुई तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आपको मैनुअल की देखने को मिल जाएगी और सेंटर में टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको एबीसी पैडल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ टिकट होल्डर देखने को मिल जाएगा। सेंटर में एक लैंप का ऑप्शन दिया गया है, और उसके साथ यहाँ पर भी आपको कोई वैनिटी मिरर प्रोवाइड नहीं कराई गई है। अगर सेफ्टी पर्सपेक्टिव से इसकी मैं बात करूं तो इसमें आपको डुअल एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको नॉर्मल आईआरवीएम ही देखने को मिल जाएंगे और इसमें डे नाइट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसकी हेडरूम की। तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाएगा जो कि काफी अच्छा खासा है। एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गई थी, तो इसका स्टीयरिंग व्हील टिल्ट फंक्शन के साथ आता है और टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ नहीं अवेलेबल है। यहाँ पर आपको बोनेट ओपन करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इस तरफ आपको फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं इसके रियर साइड डोर को। रियर साइड डोर में आपको सी पिलर पे यहाँ पर डोर हैंडल देखने को मिल जाएगा। उसके पहले यहाँ पर आपको 50 लाख कार्स की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। तो 25 साल में टाटा ने 50 लाख कार्स बेच के एक माइलस्टोन अचीव कर लिया, तो उसकी बैजिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। तो अब चलिए बैठते हैं पीछे की सीट्स में और देखते हैं क्या कम्फर्ट है रियर सीट्स का। तो ये है इसका रियर। यहाँ पर 3 लोगों की बैठने की कैपेसिटी प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर आपको लेदर अपहोल्स्ट्री देखने को मिल रहेगी, लेकिन ये एक्सेसरी का पार्ट है, अदरवाइज इसमें आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं दो, और उसके साथ यहाँ पर आपको 3-point सीट बेल्ट का 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और सेंटर सीट के लिए आपको 2-point सीट बेल्ट का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर आपको कार कवर भी रखा गया है, तो अगर आप चाहो तो ये भी आप कंपनी की तरफ से खरीद सकते हो। यहाँ पर आपको डोर हैंडल प्रोवाइड कराया गया है जो कि पीछे की राइट हैंड साइड पे भी प्रोवाइड कराया गया है। इसके साथ अगर मैं इसके गेट की बात करूं तो यहाँ पर आपको मैनुअल विंडो ऑप्शन ही देखने को मिल जाएगा। इधर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको एक सीट पॉकेट देखने को मिल जाएगी। पीछे कोई एसी वेंट वगैरह नहीं दिया गया क्योंकि ये बेस मॉडल है। अगर मैं इसके नी रूम की बात करूं तो यहाँ पर आपको इतनी स्पेस देखने को मिल जाएगी क्योंकि मैंने जो आगे वाली सीट है पूरी पीछे एडजस्ट कर रखी है। अंडर थाई सपोर्ट भी इसका कंफर्ट फैक्टर दे रहा है। तो ये है इसकी कंप्लीट डैशबोर्ड की लुक जो कि अच्छी लग रही है। बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसका इंजन 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रिवर्टर इंजन है जो कि 118 bhp की पावर एंड 115 nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है, और ये 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं तो इसकी हाइट है 1615 mm, लेंथ है 3827 mm, विड्थ है 1742 mm एंड व्हील बेस है 2445 mm। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी की। तो अगर मैं टाटा पंच की ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो इसने 5-star स्कोर करे हैं इन एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी एंड 4-star स्कोर करे हैं इन चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी। इसके अलावा इसमें आपको डुअल एयरबैग्स, एबीएस विथ ईबीडी, चाइल्ड सीट एंकर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक,
सीट बेल्ट वार्निंग एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 7,10,000 रुपए, और अगर मैं इसके ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो ये आपको कॉस्ट करेगी 8,03,000 रुपए दिल्ली। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विथ माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।